जरा जोर से बोलना। अलग को समझाने के लिए, अलग पर बुद्धि को ठहराने के लिए मेहनत करनी है, है? नुक्ते के लिए नहीं। हाँ ठीक है, जो बी के नॉलेज में कहाँ बुद्धि ठहराई जाती है, नुक्ते के ऊपर ठहराई जाती है या अलग के ऊपर ठहराई जाती है? नुक्ते को समझाया जाता है या अलग को समझाया जाता है? नुक्ता माने बिंदी और अलग माना बिंदी भी, और बिंदी जिसमें प्रवेश करती है साकार में, वो दोनों का मेल अलग कहा जाता है। हाँ तो बोलो, प्रश्न क्या है? और अलग में बिंदी का भी ज्ञान भरा हुआ है, बिंदी की भी पहचान है और मनुष्य सृष्टि के बाप की भी पहचान है। अलग को कहा जाता है अल्लाह, अल्लाह कहा जाता है ऊंचे से ऊंचे को, बिंदी बिंदी आत्मा परम धाम की बात है, परम धाम में ऊंच नीच की बात नहीं होती है। जब अल्लाह कहेंगे, अल्लाह को मुसलमान आवाज देते हैं ना, अल्लाह हो, तो आवाज इस दुनिया में पहुंचेगी या परम धाम में पहुंचेगी? कहां पहुंचेगी? इस दुनिया की बात है, इस दुनिया में ऊंचे और नीचे होते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा है अल्लाह। जो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करते हैं, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना अल्लाह करते हैं। धर्म स्थापन करने वाला साकार में होना चाहिए, जो भी धर्म स्थापन होते हैं उन धर्मों के स्थापन करने वाली आत्माएं निराकारी धाम से ही आती है, निराकार बिंदु रूप में ही आती है, परंतु साकार में प्रवेश करके धर्म स्थापन करती है। तो धर्म पिता साकार और निराकार का मेल होता है, ऐसे ही जो दुनिया में अव्वल नंबर का धर्म है, उस अव्वल नंबर धर्म का धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन जो कहा जाता है, वो अलफ है। अलफ उर्दू का पहला अक्षर है और वो खड़ा हुआ दिखाया जाता है, सदैव ही खड़ा हुआ है। जैसे कोई प्रहरी खड़ा रहता है, संगम युग में भी खड़ा हुआ है, और गिरती कला के जो युग द्वापर कलयुग हैं
उन युगों में भी वो आत्मा आत्म की स्थिति में खड़ी रहती है, तब विधर्मियों का मुकाबला करती है, नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकती, प्रभाव से प्रभावित हो जाएगी। जैसे राहु का ग्रहण चंद्रमा को लग जाता है, ऐसे असुरों से प्रभावित हो जाती है। और आगे अभी उनको ज्ञान सुनाया जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, आगे चल के करोड़ों की तादाद में मुर्गियाँ छप पड़ेगी। हाँ, जब छपने लग पड़ेंगी तो लास्ट में लेंगे या अभी फर्स्ट में ले रहे हैं? हैं? लास्ट में लेंगे ना। जो फसल बोई जाती है, सीजन शुरू होता है और फर्स्ट में बीज बो दिया जाता है, वो ज्यादा फल देता है, या लास्ट में जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा फल देता है? फलीभूत जब होना है तो उसका कोई नियम है कि बिना नियम के फलीभूत होता है? अरे कोई कुदरत का नियम है? हाँ, नियम है, ईश्वरीय ज्ञान का भी नियम है। ये ईश्वरीय ज्ञान बीज है, ये बीज बुद्धि रूपी धरणियों में डाला जाता है। जो बुद्धि रूपी धरणी पहले पहले उस बीज को धारण कर लेती है, वो फलीभूत जल्दी होती है और ज्यादा फलदायी हो जाती है। ये सब बुद्ध रूपी धरणियां हैं, ज्ञान बीज को धारण करने वाली है। जिन जिन आत्माओं ने उस ज्ञान बीज को पहले धारण कर लिया तो वो ईश्वर बाप के पहलौटी के बच्चे हैं। जैसे पहला बच्चा पैदा होता है तो उसमें ब्रह्मचर्य की, माँ बाप की लंबे समय की पावर आ जाती है और वो जो बच्चा ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे ही ये भी ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर के बच्चे जो पहले नंबर के बच्चे हैं उनको ईश्वर की दी हुई राजाई मिलती है। दुनिया में, खास भारत में ये परंपरा चली आई है कि जो भी राजाएं हुए हैं द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग में, वो पहलौटी का जो बड़ा बच्चा होता है उसको राजाई मिलती रही। ये तो मुसलमान बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपने बाप को मार डाला या जेल में बंद कर दिया और छोटे बच्चों ने भी राजाई हत्या ली। भारत की परंपराएं ही निराली है। ये परंपराएं ईश्वर बाप के द्वारा स्थापन की हुई है। और सहन शक्ति से ब्रह्मा बाबा ने प्रत्येक ब्राह्मण आत्माओं को ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे संतुष्ट कर लिया? उनका कौन सा विशेष गुण था जिस गुण के आधार पर
आज ब्राह्मणों की दुनिया में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको अशांत किया, दुख दिया, सबको संतुष्ट किया। तो जब एक आत्मा ऐसा कर सकती है तो दूसरी आत्माएं नहीं कर सकती क्या? है, कर सकती है। और जो पिरामिड बनाए हुए हैं, खड़े रहो, वो किसके बनाए हुए हैं? अरे पिरामिड की हिस्ट्री बताई गई तो उनसे पूछो पिरामिड किसने बनाए? हैं? मनुष्यों ने। और मनुष्यों ने जो चीज बनाई है उन मनुष्यों की हिस्ट्री कितने साल की है, जिस हिस्ट्री के प्रूफ और प्रमाण मिल रहे हैं। हिस्ट्री तब ही बनाई जाती है जब मनुष्यों के ऊपर दुख होता है, दुख सहन करना पड़ता है, तो एक एक दिन गिनते रहते हैं तब हिस्ट्री बनती है। तो उन पिरामिड बनाने वाले मनुष्यों से पूछो कि ये दुख की हिस्ट्री तुम्हारी कितने साल की है, नहीं तो आप ही अपनी बुद्धि से जवाब दो कितने वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है जिसके प्रूफ और प्रमाण हमको मिल रहे हैं। बोलो, 2500 साल। तो 2500 साल की सृष्टि के दुख के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। जब से हमने दिन गिनना शुरू किया, तवारीखें बनना शुरू हुई, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म का शक संबत हो, चाहे विक्रम संबत हो, चाहे क्रिश्चियंस का ईसा संबत हो, चाहे मुसलमानों का हिजरी संबत हो, सारे ही संबत 2500 साल के अंदर के क्यों हैं? उससे पहले के संबत कहां गए? इसलिए है कि 2500 साल से मनुष्य दुख देखता आया है। जिसके ऊपर कभी दुख न पड़ा हो और उसको थोड़ा दुख सहन करना पड़े तो बड़ा दुख अनुभव होता है या छोटा अनुभव होता है? बड़ा दुख अनुभव होता है। तो द्वापर के आदमी में भले दुख ज्यादा नहीं था, सतो प्रधान था, दुख भी सतो प्रधान स्टेज में था, फिर भी जो देव आत्माएं थी वो जन्म जन्मांतर से सुख भोगती आई थी, उनके ऊपर थोड़ा भी दुख पड़ा तो उनको बड़ा दुख महसूस होने लगा। और ज्यादा दुखी होने लगे, ज्यादा दुखी होने के कारण एक एक दिन उनको गिनना पड़ा, तब से ये ईसा संबत, हिजरी संबत और विक्रम संबत, शक संबत शुरू हुए। तो साफ जाहिर होता है कि दुनिया की दुख की हिस्ट्री 2500 साल की है, उससे पहले की हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। उससे पहले की है सुख की हिस्ट्री, वो सुख की हिस्ट्री भगवान ही बनाता है, वो देवता ही हिस्ट्री है, लेकिन उस हिस्ट्री का ज्ञान भगवान आकर के मनुष्यों को देता है। जैसे दिन और रात बराबर होते हैं, दिन में होता है सुख ज्ञान और रात में होता है दुख अज्ञान, अंधेरा, अंधकार, अंधापन,
ऐसे ही सुख की सृष्टि है, आत्मिक सृष्टि जिसे देवताओं की सृष्टि कहा जाता है, और द्वापर कलयुग है दुख की सृष्टि। ये मनुष्यों की सृष्टि है। मनुष्य अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं लेकिन थोड़े होते हैं, और दुष्ट कर्म करने वाले ज्यादा होते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। कलयुग के अंत में हो जाती है राक्षसी सृष्टि। नई दुनिया जब थी तो 16 कला संपूर्ण देवताई सृष्टि थी। ये दिन और रात का जो चक्र है वो हमें बताता है कि घोर सोझरा होता है तो घोर अंधेरा भी होता है। ऐसे ही सत्य रूपी रंगमंच पर भी सतयुग का आदि है घोर सोझरा, और कलयुग का अंत है घोर अंधेरा। उस घोर अंधेरे के टाइम पर भगवान आता है, इसलिए उसके आने की यादगार हम मनाते हैं। क्या? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। रात्रि तो है लेकिन नाम है शिवरात्रि। वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि है। कल्याणकारी उनके लिए है जो साए हुए शिव भगवान को पहचानते हैं। वो पहचानने वालों के धर्मखंड में ही वो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। विदेशों में महाशिवरात्रि नहीं मनाते। तो समझने की बात है, ये जो पिरामिड आदि की हिस्ट्री बनाई है वो मनुष्यों ने बनाई है। मिस्र और इजिप्ट ये विदेशी हैं जिन्होंने अपने को पुराना और ऊंचा साबित करने के लिए ये हिस्ट्री में बैठ बातें बनाई है। उनके पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है, और कोई पक्का प्रूफ है तो आकर के समझाएं, सिद्ध करें, नहीं तो जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई की बात को यूं ही नहीं मानेंगे कि वो कहते हैं 10,000 साल पुरानी दुनिया है, या शास्त्र कहते हैं लाखों वर्ष पुरानी दुनिया है, तो उनके सुनाने से हम मान जाएंगे क्या? नहीं मान सकते। बैठ जाओ। मात्र कहते हैं माता को। बच्चा जिस माता से जन्म लेता है उस माता की भाषा ही पहले सीखता है। माता जो भाषा बोलेगी गोद में पलने वाला बच्चा भी उस भाषा को सीखेगा। माँ बाप की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। दो आत्मा एक साथ जन्म लेती है, उसके पीछे क्या राज? भले दो आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं, लेकिन आगे पीछे जन्म लेती हैं या एक ही सेकंड में दोनों का जन्म होता है? आगे पीछे हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ संस्कारों में अंतर जरूर रहता है। जो बच्चा पहले पैदा होगा बड़े आकार वाला होगा, जो बच्चा बाद में पैदा होगा छोटे आकार वाला होगा। तो ये संस्कारों का अंतर जरूर होता है। और बाबा आत्मा का कहीं भगवान बनाते हैं अपने आप बन जाता है।
भगवान एक एक के पेट में बैठ करके मशीन बन के नहीं बैठता है, कुछ काम कुदरत करती है, उसको कहते हैं प्रकृति। प्राकृतिक रूप से वो काम होते रहते हैं। भगवान तो हमें मालूम है कौन से युग में आता है, संगम युग में आता है। तो द्वापर कलयुग में और सतयुग त्रेता में भगवान बैठ करके हर पेट में बच्चा तैयार करता है, ये तुम्हारी बुद्धि में कैसे आ गया? अरे तुम्हारी बुद्धि में ये कहां से बात आ गई कि भगवान बनाता है? मुरली रोज सुनते हो कि नहीं? खड़े हो जाओ जरा। अरे खड़े तो हो जाओ, चेहरा तो देख लें ठीक से। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने हमको बनाया, तुमको बनाया। अरे अल्लाह मियां सब कुछ करता है क्या? ज्ञान में यही समझाया जाता है? अरे कम से कम बेसिक ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए, हैं? सब भूल गए? कौन सी गीता पाठशाला में जाते हो? गीता पाठशाला भी चला रहे हो? चला रहे हो? ये तो दुनिया की शूटिंग हो गई। दुनिया में ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहां से बीए और एमए की डिग्री लेके निकलते हैं और उन्हें जनरल नॉलेज की छोटी छोटी बातों का ही पता नहीं होता है। तो ऐसी गीता पाठशाला खोलने से क्या फायदा हुआ? और हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में, हाँ जी, जो नीचे राधा और कृष्ण खड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वो राधा कृष्ण रचना है या रचयिता है? रचना, रचना का ज्ञान और रचयिता का ज्ञान। रचयिता माई बाप को कहा जाता है। जो माई बाप लक्ष्मी नारायण है वो कौन से युग में है? जो लक्ष्मी नारायण है वो कौन से युग में दिखाए गए हैं? संगम युग में। और राधा कृष्ण कौन से युग में दिखाए गए हैं? सतयुग में। तो सतयुग में ज्ञान होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है। तो जो राधा और कृष्ण के हाथ में अगर मुरली भी दिखाई जाए तो वो बांस की मुरली होगी या ज्ञान की मुरली होगी? हैं? बांस की मुरली होगी। वहां जो भी वाद्य यंत्र होंगे वो सब सादा सादा वाद्य यंत्र होंगे, ऐसे नहीं कि वहां कोई ज्ञान के वाद्य यंत्र होते हैं। ज्ञान की वीणा नहीं होती है, ज्ञान का नगाड़ा नहीं होता है, ज्ञान की बांसुरी नहीं होती है। हाँ
इसलिए होती है कि अमृत वेले जब अज्ञान सूर्य उदय होता है तो विनाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए। और जो विनाश होगा वो क्रांति के आधार पर होगा या शांति के आधार पर होगा? क्रांति। और क्रांति करने के लिए निमित्त हैं शक्तियां। क्रांति का रंग लाल दिखाया जाता है, वो शिव की शक्तियां हैं। शिव उन शक्तियों से भिन्न नहीं है, इसलिए शंकर द्वारा विनाश गाया जाता है। लेकिन वास्तव में शंकर विनाश नहीं करता, विनाश कौन करती है? शक्तियां। इसलिए शक्तियों में महाविनाशकारी महाकाली को दिखाया गया है। वो महाकाली पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, लाल लाल जीव निकालती हुई। इसलिए जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा होती है, और सूर्य जब अस्त होता है तो भी मोई काली प्रत्यक्ष होती है। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा थी और यज्ञ के अंत में भी जगदम्बा प्रत्यक्ष होगी महाकाली के रूप में। माताएं थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे भाई लोग भीग रहे हैं। सोते रहा करो। हाँ जी, प्रश्न आया है, तीन सीट तो पहले पहले फिक्स हो गई, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तो प्रश्न ये है कि अष्टदेव में से एक का ही नाम क्यों लिया गया? दो सीट जगदम्बा और लक्ष्मी, ये अष्टदेव में से क्यों उड़ा दी गई? इस बात का जवाब इससे पहले के क्लेरिफिकेशन में दे दिया गया है, वार्तालाप में ही। कोई कोई याद हो तो बताए। हाँ बोलो। अष्टदेव, हाँ, जो तीन देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें ब्रह्मा है नीची स्टेज, विष्णु है सेकेंडरी स्टेज और शंकर है सबसे ऊंची स्टेज। ये तीन स्टेजेज जो दिखाई गई हैं वो झाड़ के चित्र में भी देखने में आती है। झाड़ के चित्र में एक ऐसी स्टेज वाली आत्माएं हैं जो तने के अंदर दिखाई गई है, नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने धर्म की पक्की हैं, ना दाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होती हैं और ना बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट होती है, कोई से प्रभावित नहीं होती। वो है अव्वल नंबर की आत्माएं, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाली। दूसरे नंबर की आत्माएं वो हैं जो भारतीय धर्मों को फॉलो करती हैं,
जैसे बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, ब्रह्मचर्य को विशेष पोषण देने वाली है। और तीसरी वो आत्माएं हैं जो ब्रह्मा से विशेष प्रभावित होकर के रही है। ब्रह्मा से ही विशेष वरदान लेती रही है। उन ब्रह्मा से विशेष वरदान लेने वालों को असुर कहा गया है। विधर्मी, विदेशी, बम मार्गी। इसलिए ये तीनों ग्रुप में जो अव्वल नंबर सीट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा तीन पुरियों में सबसे नीचे स्टेज में दिखाया गया है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी कहे गए। सेकेंडरी स्टेज है विष्णु। विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव संप्रदाय कहे गए। और सबसे ऊंची स्टेज है शिव की, वो शैव समाजी कहे जाते हैं, शैव संप्रदाय, वो सबसे ऊंची स्टेज है। तो जो पहली पहली माला बनती है वो कौन से ग्रुप से प्रत्यक्ष होनी चाहिए है? शैव संप्रदाय से क्लियर होनी चाहिए या विष्णु संप्रदाय से क्लियर होनी चाहिए या ब्रह्म समाजियों में से क्लियर होनी चाहिए है? जो सबसे ऊपर का ग्रुप है उसमें से अव्वल नंबर की जो माला है आठ की, वो प्रत्यक्ष होती है। उस अव्वल नंबर की माला में वैष्णवी का अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली आत्मा भी नहीं आ सकती। और ब्रह्मा की सोल भी नहीं आ सकती। जिसने सहनशीलता का अव्वल नंबर पार्ट बजाया, और जगदम्बा भी नहीं आ सकती। जो पहला पहला ग्रुप है, जो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है, वो है आठ का ग्रुप, सूर्यवंशियों का ग्रुप। लक्ष्मी या राधा चंद्रवंश से आवेगी या सूर्यवंश से आवेगी? चंद्रवंश से आवेगी। और ब्रह्मा सो जगदम्बा कहाँ से आवेगा? वो पाटधारी है। अरे विष्णु वो तो फिर भी ऐसा पाटधारी है जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए वो थर्ड ग्रुप है। वो आठ के नंबर में नहीं आ सकते। वो महाकालियों का ग्रुप है। आठ के नंबर में आने वाले सदैव ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले होने चाहिए। इसलिए जो अष्टदेव हैं वो यादगार के रूप में शिवशंकर भोलेनाथ के मस्तक के ऊपर दिखाए जाते हैं। और
हाँ हाँ एक मिनट, हाँ हाँ बोलो। कुमारों को किसान बताया गया है, कुमारों को किसान बताया है, किसान हाँ, कुमारों की एक स्थिति बनी जाए इसके लिए क्या विशेष प्रकार करना चाहिए? कुमारों को अगर एक रस स्थिति बनी है बनानी है तो पहले सोचना है कि हम निर्बंधन हैं या बंधन वाले हैं। कुमारियों के मुकाबले अधर कुमारियों के मुकाबले अधर कुमारों के मुकाबले कुमार ज्यादा निर्बंधन है या कम निर्बंधन है? है क्या कम निर्बंधन है? है ज्यादा निर्बंधन है, और जो ज्यादा निर्बंधन है इस लास्ट जन्म में उन्होंने 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं या खराब कर्म किए हैं? अच्छे कर्म किए हैं। ऐसे अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे से अच्छा जो पुरुषार्थी है, अव्वल नंबर का जो पुरुषार्थी है, जो ब्राह्मण जीवन के आदि में एडवांस की स्टेज में कुमार बन करके ही रहा है और कुमार की स्टेज में पुरुषार्थ करते हुए विश्व का मालिक घोषित हो सकता है, तो कुमार क्या नहीं कर सकते हैं? कुमारों को वरदान मिला हुआ है कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, तो करना क्या है? जो ऊंची से ऊंची स्टेज बनी रहे यही करना है। उनको तन से मन से धन से समय और संपर्क से ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहना है, कभी भी बेकार नहीं बैठना है। कुमारों में अखूट शक्ति होती है, इसलिए बाप ने कहा है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कुमार चाहे तो दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जो सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन कोई भी पावरफुल से पावरफुल धर्म पिता नहीं कर सका, और कुमार चाहे तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन करने में भी बाप के 100% सहयोगी बन सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? सदैव ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय संपर्क की बाजी लगाना है। और कोई माता बोल रही थी इधर से, बाबा उन्हें बोल रहे हाँ, बाबा उनके मंदिर है पशुपतिनाथ, एक मंदिर है। अरे उज्जैन में जो जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तो महाकाल का मंदिर है। हाँ हाँ जी, तो हाँ लिंग में 8 चित्र बने हुए हैं। हाँ तो उसका रहस्य ये है कि परमपिता परमात्मा शिव एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में, या 8 व्यापी या अनेक व्यापी होकर प्रत्यक्ष होता है? एक व्यापी होकर प्रत्यक्ष होता है, और जो एक व्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको कहा जाता है रुद्र, और रुद्र के
सर के ऊपर वो आठ की माला दिखाई जाती है, वो आठ आत्माएं उस सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता की यादगार नहीं है, रुद्र की प्रवेशता की यादगार है। इसलिए आठ रूप दिखाए गए हैं। और पूरे देश भर में, दुनिया भर में बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े बांध है, ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? प्रकृति को कहा जाता है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पांच प्रकार की शक्तियां हैं जिनको प्रकृति माता कहा जाता है। प्रकृति को कंट्रोल करने का काम, प्रकृति माता को कंट्रोल करने का काम प्रकृति पति का होना चाहिए या बच्चों का होना चाहिए? भगवान है प्रकृति पति, और जब इस सृष्टि पर आता है तो प्रकृति को अधीन करके आता है। भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु को कहा जाता है। शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो पांच तत्व के बने हुए पुतले को कंट्रोल करता है। वो पुतला है प्रजापिता ब्रह्मा। वो मात पिता का कंबाइंड रूप है। वो प्रकृति पति है। अगर बच्चे माँ को अपनी बुट्ठी में करके बैठ जाएं, तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? है? पाप बनेगा। बच्चों की अल्प बुद्धि है। संगम युग में भी जो बच्चे हैं वो बाप को निश्चयात्मक बुद्धि से 100% नहीं पहचानते हैं, इसलिए निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। बाप को न पहचानने के कारण अम्मा को अपनी मुट्ठी में करते हैं और अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसे ही जड़ प्रकृति में भी हिसाब है। जड़ प्रकृति के पांच जड़ तत्वों को स्वतंत्र रूप से निर्बाध गति से बहने देना चाहिए। मनुष्य की अल्प बुद्धि रावण की बुद्धि है आज की दुनिया में। जो शास्त्र में गायन है कि रावण ने पृथ्वी जलवायु अग्नि देवताओं को अपनी चारपाई की पाटी से बांधा हुआ था, बंधन में डाल दिया था। उंगली से इशारा करता था और रात्रि के 12 बजे के अंधकार में रोशनी ही रोशनी हो जाती थी। उंगली से इशारा करता और सारे शहर में पानी ही पानी दौड़ने लग पड़ता। उंगली के इशारे से पांच तत्वों को कंट्रोल करना ये रावण संप्रदाय के मनुष्यों का काम है। बुद्धि का विलास दिखाते हैं, लेकिन प्रकृति भल जड़ बुद्धि है, परंतु आज नहीं तो कल
माताएं जो बंधन में आई हुई हैं सबसे जास्ती, उन माताओं की प्रतिनिधि जगदम्बा, वो भी सच्चाई को आज नहीं तो कल पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? कोई होता है प्रैक्टिकल किए बगैर ही ईश्वर की वाणी को फॉलो करता है? कोई आत्मा ऐसी जड़ तुम्हें बुद्धि होती है ईश्वर की वाणी को कहने से नहीं मानती? नाक रगड़ रगड़ के जब प्रैक्टिकल में उनको महसूस हो जाता है कि ये रास्ता गलत है, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति को जो कंट्रोल किया हुआ है मनुष्यों ने और कंट्रोल करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आवेगा ये पृथ्वी जो पांच तत्वों से भरपूर है वो विकराल रूप धारण करेगी, तामसी बनेगी और बड़े बड़े भूकंप के द्वारा इन बुद्धिमानों की विलासिता को चकनाचूर कर देगी। बुद्धि के ऊपर जो अहंकार धर के बैठे हुए हैं वो सब बेमौत मारे जाएंगे। दुनिया की भारी से भारी आबादी भूकंप में मर जाएगी। जो भगवान बाप के ऊपर विश्वास करने वाले बच्चे हैं उनकी सुरक्षा प्रकृति माता करेगी, भगवान बाप के डायरेक्शन पर। इसलिए मुरली में बोला है कि हिंदुस्तान का जो बड़े से बड़ा डैम बना हुआ है, कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम। वो दो लंबे लंबे पहाड़ हैं, उनके बीच में कई पहाड़ों का, पर्वत श्रेणियों का पानी आकर के इकट्ठा होता है, गोविंद सागर उसका नाम है। उस पहाड़ के थोड़े से हिस्से को काट दिया और उसमें से पानी की धारा को कंट्रोल करके नंगल डैम बनाया हुआ है, जो भारत का बड़े से बड़ा डैम है। पाकिस्तान की भी नजर है इस डैम के ऊपर, बम विस्फोट करके इसको धराशायी कर दें तो आधा हिंदुस्तान जलमयी हो जाएगा। इतना बड़ा वो गोविंद सागर है, बहुत गहरा भी है, सारा पानी हिंदुस्तान में आ जाएगा, दिल्ली बोरम बोर हो जाएगी। जब राजधानी का ये हाल हो जाएगा तो औरों का तो और ही बुरा हाल होना है। टहरी बांध बनाया जा रहा है गंगा के जल को बांध करके, ये मनुष्यों की बुद्धि चल रही है। भगवान बाप बताते हैं नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। कुछ वैज्ञानिक भी बता रहे हैं ये टहरी बांध बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तो प्रकृति के कार्यों में मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
मानवीय बुद्धि अल्प बुद्धि है। प्रकृति भगवान की रचना है, कुदरत के कंट्रोल को मानना चाहिए। कुदरत बड़े से बड़ी कंट्रोलर है, लेकिन ऐसी रहस्यमयी है कि भगवान को तो पहचान सकते हैं लोग, लेकिन जो भगवान की अव्वल नंबर रचना है, पहली नंबर रचना है, उसको प्रकृति माता को पहचानना बहुत मुश्किल है। न पहचान पाने के कारण उसको अपनी मुट्ठी में दबोच के रखा हुआ है। आज घर घर में बच्चे बड़े होने के बाद खुदान खास्ता बाप के बुढ़े और न होने के बाद माँ को कंट्रोल करके बैठते हैं। अपनी उंगली के इशारे पर नचाते हैं। सारी प्रॉपर्टी को अपने मुट्ठी में लेकर बैठ जाते हैं। माताएं सारी की सारी बंधन में आई हुई है। घर घर में वो गीता के भगवान कृष्ण बच्चे बनकर के बैठ गए। ये परंपरा अभी टूटेगी, ये अज्ञानता का अंधकार टूटेगा। भारतीय परंपरा में माँ बाप का जो सम्मान होना चाहिए वो माँ बाप का सम्मान फिर से संसार में लागू होगा। सरकार ने भी नियम बनाया, बता रहे थे कि अगर माँ बाप को खाना नहीं देंगे जब उसको नहीं रखेंगे तो 5,000 रुपये और 3 महीने की जेल है। तो जब भगवान आते हैं तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। 76 से पहले भगवान बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं था। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया तो भारत की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भी ये घोषणा की गई कि महाशिवरात्रि का व्रत पर्व छुट्टी होने लायक है, छुट्टी घोषित कर दी गई। पहले परिवार में माताओं का कोई हिस्सा नहीं होता था, अभी भगवान बाप आए हुए हैं तो माताओं का भी हिस्सा प्रॉपर्टी में उतना ही होता है जितना बच्चों का होता है। बाबा, भैंस के दूध से गाय के दूध को श्रेष्ठ बताया जाता है। हाँ जी, तो गाय भी एक पशु है। हाँ, उसके दूध को पीने से कोई बुद्धि पर या ऐसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए गाय? कोई भी वैज्ञानिकों से पूछा जाए, कोई भी वैद्य डॉक्टरों से पूछा जाए, नेचुरोपैथी के डॉक्टरों से पूछा जाए कि भैंस का दूध ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा कल्याणकारी होता है या गाय का दूध ज्यादा कल्याणकारी होता है, क्या कहेंगे? गाय का। भारतीय परंपरा के शास्त्र
गाय के दूध की महिमा करते करते नहीं थकते हैं। अरे दूध तो छोड़ो, गाय का मूत भी पीते हैं। जो भी बीमार लोग होते हैं, कई बीमारियों में गौमूत्र से ठीक किए जाते हैं। गाय सभी जानवरों के बीच में बहुत सीधा साधा जानवर माना जाता है। गाय के लिए कहते हैं जिस खूंटे से बांधो, सीधी साधी गाय उसी खूंटे पर बंधी रहती है। बहेल गईयों की बात नहीं हो रही है, जो तिराहे पर बैठी रहती हैं, प्लेटफार्म पर घूमती रहती हैं, और न पालतू गायों की बात हो रही है, जो कृष्ण की गौएं गाई हुई हैं। मनुष्यों की जानवर बुद्धि ने तो जानवर गौओं को समझ लिया। वास्तव में जानवर गौओं की बात नहीं है, ये भारत की कन्याओं माताओं की बात है, जो बड़े सीधे सादे स्वभाव की होती है। माँ बाप उनको जीवन भर के लिए जिस खूंटे पर बांध देते हैं, जिंदगी भर उस खूंटे पर बंधी रहती है। इतना सीधा साधा प्राणी कितना सात्विक होगा, फिर उसका दूध भी सात्विक होगा, उसका खून भी सात्विक नसों में दौड़ने वाला है। तो गाय का दूध, अब वो चाहे ज्ञान दूध हो या स्थूल दूध हो, भारत की जो गौएं गाई हुई हैं, जो कृष्ण के बुद्ध रूपी पांव को चाटती है, और जानवर कृष्ण के बुद्ध रूपी पांव को चाटते हुए नहीं दिखाई जाते, लेकिन गौओं को चित्रों में क्या दिखाया है? कृष्ण के बुद्ध रूपी पांव को चाटती हुई दिखाई गई है। माना सारा ज्ञान चाट जाती है। गौओं में जो शिरोमणि गऊ है, कामधेनु गऊ, उस गऊ की ये विशेषता दिखाई गई है। उसके सारे शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। क्या नाम होगा उस गऊ का? है कामधेनु गऊ। तो दूध कितना श्रेष्ठ होगा? ये भारत की गौओं की विशेषता है, विदेशी गायों की विशेषता नहीं है। जो जर्सी गायें होती हैं या दूसरे नाम वाली विदेशी गैया होती हैं, 30-30, 40-40 लीटर दूध देती हैं, उनके दूध में भी इतनी कमाल नहीं होती है। उनका दूध भी नेचुरोपैथी के काम में नहीं आता है, और मूत्र भी नेचुरोपैथी के काम में नहीं आता। पंचगव्य जो दवाई बनाते हैं, वो भी विदेशी गौओं का काम में नहीं आता है। जो नैसर्गिक खेती की जाती है, उस खेती में भी जो देसी गौएं हैं भारतीय, उनका गौमूत्र और उनका गोबर काम में आता है, विदेशी गायों का काम में नहीं आता है उतना। तो ये विशेषता है। भैंस तो कही जाती है भैंस बुद्धि, भैंस
और भैंसा। धर्मराज की सवारी किसे दिखाते हैं? भैंसा। धर्मराज अलग पार्टधारी है और भगवान बाप अलग पार्टधारी आत्मा है। भगवान को प्यार का सागर कहा जाता है, धर्मराज को प्यार का सागर नहीं कहते हैं। प्यार का सागर है या मार का सागर? मार ही मार। तो धर्मराज का जैसे आधार भैंसा दिखाया जाता है, तो भैंसे की पत्नी का नाम क्या होगा? भैंस होगा। उससे पैदा होने वाला बच्चे का नाम क्या होगा? भैंसासुर। भैंसासुर की बुद्धि भी कैसी होगी? भैंस बुद्धि होगी या गौ बुद्धि होगी? भैंस बुद्धि होगी। बुद्धि को ठस बनाने वाला दूध है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उस भैंस का नाम है माया बेटी। वो माया बेटी उसका जो भी दूध पीते हैं वो भैंस बुद्धि बन जाते हैं। वो भैंस बुद्धि भगवान को नहीं पहचानते। इसलिए भैंस में और गाय में बहुत अंतर है। भारतवर्ष में भैंस की पूजा नहीं करते हैं। कौन से जानवर की पूजा करते हैं? गाय की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारतवासी जो अज्ञानी भक्त हैं वो ये नहीं जानते कि जिस गाय की हम पूजा करते हैं वो गाय वास्तव में चैतन्य गौएं हैं। जो पूजनीय है पवित्रता को धारण करने के कारण, उन्होंने एक भगवान बाप को फॉलो किया है, इस प्योरिटी के कारण गौएं पूजी जाती है। भैंस की कहीं भी पूजा नहीं की जाती। सेवा करने भले जाओ, मना नहीं है, लेकिन सर के ऊपर मोटा सा साफा भी बांध के जाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात। अरे अपवित्रता होगी बुद्धि में तो बुद्धि नीचे जाएगी, धरणी में जाएगी, धरणी रूपी कन्याओं माताओं में जाएगी, गड्ढे में जाएगी या ऊपर जाएगी? अपवित्रता बुद्धि में भरी हुई होगी, ज्ञानेंद्रियों में भरी हुई होगी, कर्मेंद्रियों में इम्प्योरिटी भरी हुई होगी, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा नीचे ही जाएगी, ऊंची ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकती। हर एक ब्राह्मण इस बात का अनुभव करता है। जिन दिनों विकारी बुद्धि बनती है, विकारी वाचा होती है, विकारी संग होता है, इंद्रियां विकारी बनती हैं, उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। ज्ञान कोई को सुनाए नहीं सकता। ज्ञान सुनना और सुनाना दोनों ही अच्छे नहीं लगते। तो ये नियम है, जितनी प्योरिटी होगी उतना ज्ञान शेष उठा देंगे। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी,
और इम्प्योरिटी होगी तो रुद्रमाला के मण के चाहे कितना भी एडवांस ज्ञान उठाएं, चाहे कितना भी ज्ञान की गहराइयों में जाएं, विस्तार में जाएं, बुद्धि ऊंची उठ नहीं सकती। बुद्धि कहाँ जावेगी? गड्ढे में ही जावेगी। हाँ, तीन बात आते हैं तो ना तो किसी से कुछ लेते हैं और ना किसी को कुछ देते हैं, ज्ञान देते हैं ना। हाँ, लेकिन ये कहा है कि मैं आता हूँ तो फिर ज्ञान सुना कर नहीं चला जाता हूँ, ज्ञान सुना के नहीं चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई साधन चुनता हूँ या नहीं चुनता हूँ? किसके द्वारा निमित्त कौन बनता है? कोई निमित्त बनता है या नहीं? जो निमित्त बनते हैं वो ही प्राप्ति करते हैं। भगवान बाप न निमित्त बनता है न कोई किसी प्रकार की प्राप्ति करता है। जो निमित्त बनते हैं वो जन्म जन्मांतर का बेहद का सुख भोगते हैं। भगवान बाप न निमित्त बनता है, निमित्त माने साकार, न जन्म जन्मांतर का सुख भोगता है। बैठो। हाँ, कितना टाइम हो गया एडवांस में आए हुए? है 3 साल। 3 साल में अगर दो दो तीन तीन मुरलियां रोज सुनी होती तो 12 x 36 3600 मुरलियां आपने सुन ली होती। और उन वाणियों में दसियों बार इस बात का प्रश्न का जवाब दिया गया है। लाइट अच्छी नहीं आती वो तो ठीक, लेकिन बैटरी को दुकानों में हर जगह मिलती है। है कोई लाके नहीं दे रहा है? पैसे रख दिए, जो लाने वाले हैं उनको हाथ पांव जैसे हैं वैसे आपको हैं या नहीं? वो मार्केट में जा सकते हैं और आप यहाँ आ सकते हैं तो आप मार्केट में नहीं जा सकते हैं? उसमें वजन ज्यादा होता है, वजन को ढोने के लिए साधन नहीं मिलता माताओं को। माताएं कहती हैं हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम बैटरी का बोझ उठा पाए। कितनी बहानेबाजियां हैं।